हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब्स ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने आरसीसी बीम डिज़ाइन किया था एक वेरीफाई एग्जांपल लेके, और आज हम करेंगे एक कॉलम डिज़ाइन। तो कॉलम का देखिए, कॉलम डिज़ाइन, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। एक कॉलम है जिसपे एक मोमेंट लग रही है और एक एक्सेल फोर्स लग रहा है। ये क्रॉस सेक्शन है और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में आउटपुट में इस प्रॉब्लम में गिवन है कि जो हमारा कॉलम डिमांड और कैपेसिटी रेशियो है वो 1 है। सबसे पहले हम बात करते हैं होता क्या है। देखिए, कॉलम डिमांड मीन्स कि कॉलम की क्या डिमांड है, हम किस फोर्स के लिए हम उसे डिजाइन कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका रेशियो 1 आना चाहिए हमारा इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और वैसे भी हमारा 1 ही आना चाहिए अगर हम सेफ्टी देखें। एक कॉलम डिमांड क्या है, जिस कैपेसिटी के लिए हम डिजाइन करें। मान लीजिए हम 10 किलो न्यूटन के लिए कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम की डिमांड क्या है, 10 किलो न्यूटन, बट उसकी कैपेसिटी कितनी है, 9 किलो न्यूटन। जब उसकी कैपेसिटी जितना हमें फोर्स उस पर लगाना है उससे कम है तो फेल हो जाएगा। और यहाँ रेशियो क्या है हमारा, ये रेशियो है हमारा ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो रेशियो है ग्रेटर देन 1। और अगर हमारा डिमांड हो मान लीजिए 10 किलो न्यूटन और हमारी कैपेसिटी हो 15 किलो न्यूटन, तो ये रेशियो कितना हो गया, लेस देन 1। इसमें हमारा क्या है, स्ट्रक्चर सेफ है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिकल नहीं है क्योंकि हमें तो फोर्स बस 10 किलोन्यूटन पे लगाना है और हमारी कैपेसिटी 15 है, तो इतनी कैपेसिटी का क्यों बनाए हम। तो अगर हमें फोर्स लगाना है 10 और कैपेसिटी है हमारी 10 और रेशियो आ रहा है हमारा 1, तो इसका मतलब क्या है, हमारा इकोनॉमिकल है और सेफ भी है। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें 1 लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें एक कॉलम है 3 मीटर का, तो हमने न्यू मॉडल लिया। न्यू इंडियन ले लेते हैं, ओके। अब कॉलम की हमारी लेंथ कितनी है, हाइट 3 मीटर। तो देखिए, जब हम बीम की बात करते हैं एक्स और जेड वाई प्लेन में बनाते हैं, जब कॉलम की बात करते हैं तो स्टोरी हाइट, तो यहाँ पे स्टोरी हाइट 3 है, तो हम इसे डिफॉल्ट ग्रिड ले लेते हैं। ये ग्रिड आ गई है हमारी डिफॉल्ट। अब देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा कंक्रीट है M13, देख सकते हैं आप M13 है हमारा, 30 M30 है, और हमारा इलास्टिक मॉडुलस इतना है 0.02, जी है और बी और डी है। तो हमारा कॉलम का साइज क्या है, 450 बाय 350, ठीक है। चलिए करते हैं, सबसे पहले M30 मटेरियल, तो डिफाइन मटेरियल, एड न्यू इंडियन कंक्रीट M30, ओके। इलास्टिक मॉडुलस कितना है हमारा, 25, ठीक है, पॉइजन रेशो 0.2 है, ओके कर देते हैं। M30 आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, मटेरियल क्रॉस सेक्शन है हमारा 550 बाय 350, तो डिफाइन सेक्शन फ्रेम, एड न्यू कॉलम, तो हमारी डेप्थ है 350 और विड्थ है 550,
और मटेरियल है M30 और यहाँ पे डाल देते हैं कॉलम, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हम अभी ऐड कर लेते हैं, इसमें दिया हुआ है रिइंफोर्समेंट, सॉरी क्लियर कवर दिया हुआ है 60 और स्टील दिया हुआ है 460, ठीक है। स्टील 460 MPa और क्लियर कवर 60 mm बोथ साइड। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहां हम जाएंगे कॉलम डिजाइन, रेक्टेंगल कॉलम, टाइज, यहां पे हम स्टील डिफाइन करेंगे, ऐड न्यू मटेरियल इंडियन, कंक्रीट की जगह पर रेबर, और 460 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं 550। ऐड, और जब इसकी प्रॉपर्टी खुलेगी तो हम यहाँ पे जाके डिजाइन डाटा में जाके हम यहाँ पे स्ट्रेंथ कर लेंगे 640 रियली स्ट्रेंथ, के 640 है ना, नहीं सॉरी 460 है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 460। ओके ओके, तो ये दोबारा इसको मॉडिफाई करते हैं, टाइटल भी डालते हैं हम इसका FY460। तो 460 जो था हमारा अवेलेबल नहीं था, तो हमने यहाँ मॉडिफाई में जाके उसकी स्ट्रेंथ 460 कर दी। ओके ओके, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 460, ठीक है। अब क्लियर कवर कितना दिया हुआ है इन्होंने, 60 mm, तो यहाँ पे 60 mm डाल दिया मैंने, ठीक है। और सब ये डिफॉल्ट रहने देंगे, ओके कर देंगे हम। ओके ओके, अब यहाँ से कॉलम लेते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करते हैं जो कॉलम हमने बनाया है, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं स्कैप। अब देखिए ये रहा हमारा कॉलम, ठीक है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखोगे अगर आप, कॉलम हमारा क्या है, ऐसे 550 है, इस डायरेक्शन में 550 है और इस डायरेक्शन में 350 है, बट हम ई टैब में देखते हैं जो हमने बनाया है वो हमारा अपोजिट बन गया है। तो उसको कैसे ठीक करें, तो हम क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से कॉलम बनाते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज सीखने की है, जब ये प्रॉपर्टी आई है यहाँ पे एंगल पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे एंगल डाल देते हैं 90 डिग्री। अब जब हम कॉलम बनाएंगे तो 90 डिग्री को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसको एलिवेशन में ले लेते हैं हम 4, ये हमारा है कॉलम, ग्रिड को हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये कॉलम है, अब इसके नीचे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, असाइन जॉइन रिस्ट्रेन फिक्स सपोर्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक मूवमेंट लग रही है एम वाई डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है 1913 किलो न्यूटन, इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया असाइन जॉइंट लोड फोर्स एफ जेड डायरेक्शन में 1913, ठीक है। इसे डेड में ना लेके लाइव में ले लेते हैं हम, क्योंकि हमने लास्ट प्रॉब्लम बीम में हमने क्या किया था, सारे फोर्स डेड में ले लिए थे, और जो हमारी प्रॉब्लम है इसके जो रिजल्ट है वो ओनली डेड लोड की से हैं, ना सेल्फ एड इंक्लूड नहीं किया, मतलब की तो हमें सेल्फ एड इंक्लूड नहीं करना है। अगर हम डेड लोड में लेते हैं तो सेल्फ एड इंक्लूड हो जाएगा, फिर उसे हमें प्रॉपर्टी मॉडिफाई में जाके उसे प्रॉपर्टी उसकी चेंज करनी होगी, तो इससे अच्छा है हम लाइव में ले लेते हैं, क्योंकि लाइव में सेल्फ एड तो होता ही नहीं। यहाँ पे माइनस और लगा देते हैं डाउनलोड के लिए, ये लग गया। अब हम इस ज्वाइंट को सेलेक्ट करके मोमेंट और लगा देते हैं, हम एक साथ भी लगा सकते थे दोनों, देखिए कैसे ये लगा हुआ यहीं पे एम वाई वाई कितना है हमारा 478 ये रहा। ओके ये देखिए, ठीक है। अब एनालाइज कर देते हैं, एनालाइज से पहले एक लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं डिजाइन के लिए, जिसमें हम केवल क्या लेंगे लाइव लोड, यहां डाल देते हैं लाइव कॉम्बिनेशन ऐड ऐड। अब क्या करते हैं डिजाइन में जाएंगे और थोड़ा डिटेल में, थोड़ा स्लो स्लो में, लास्ट वीडियो में बीम में बता चुका हूं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। व्यू एंड रिव्यूजन पे जाते हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग, फिर डिजाइन कंक्रीट सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन, ये हमने कॉम्बिनेशन जो बनाया ले लिया। उसके बाद हमें एनालाइज करना है, सेव के लिए आएगा कॉलम डिजाइन
और उसके बाद हम स्टैक करेंगे डिजाइन में, कंक्रीट डिजाइन, स्टार डिजाइन। ठीक है, ये हमारा डिजाइन हो चुका है। अब आपको हमें रिजल्ट क्या चेक करना है, हमें रेशियो चेक करना है, कॉलम डिमांड बाय कैपेसिटी रेशियो 1 आ रहा है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाती है। इस विंडो के बारे में हम बात करेंगे, जैसे बहुत डिटेल में डिटेलिंग का है, जब हमारा डिटेलिंग का पार्ट आएगा ना, केवल उसमें डिटेलिंग की बात होगी, तब हम इस विंडो के बारे में बात करेंगे। अभी केवल हम ये रिजल्ट चेक कर रहे हैं रेशियो। तो आप जाएंगे इंटरेक्शन पे, तो ये इंटरेक्शन पे इंटरेक्शन कर्व आ गई है। यहाँ पे आप ऑल में सेट करेंगे लाइव लॉट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू रेशियो की कितनी आ रही है, 0.988, और ग्रीन कलर का आ रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ भी है। ठीक है, 0.998 थोड़ा बहुत तो अलग आता है हमारा, फिर भी हम कुछ चीजें चेंज करके देख लेते हैं, शायद उसकी वजह से आ रहा हो। तो हम डिफाइन में हम सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं, M30, तो यहाँ पे हम 25 ले लेते हैं कंक्रीट, 0.2, 25, ये सब ठीक है। ठीक है, जी कितना है, 10416, और हमारा प्रॉब्लम में कितना था, 10466, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके कर देते हैं। अब हम इसको देखते हैं स्टील को, तो स्टील में समथिंग कुछ चेंज हो सकता है हमारा, क्योंकि स्टील का ई नहीं दिया हुआ इन्होंने, ये भी 460 कर देते हैं हम, ओके ओके। दोबारा से एनालाइज करते हैं, और डिजाइन कर देते हैं, राइट क्लिक, इंट्रैक्शन कर, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको कॉम्बिनेशन। तो 0.988 आ रहा है, लगभग 1 के करीब ही आ रहा है, और यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब पास है, और अगर यहाँ पे कुछ रेड कलर आता तो ये हमारा फेल हो जाता। तो थैंक यू, ये था कॉलम डिजाइन्स में इंट्रैक्शन कर्व के बारे में हम पढ़ रहे थे, और आगे देखिए सिलेबस में क्या है हमारा। फिर इसके बाद बहुत अच्छी एक वीडियो आएगी, जिसमें हम स्टेयर की मॉडलिंग करना सीखेंगे, सर्कुलर और डॉग लेग, वो जरूर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपको ये टाइप की वीडियो काम की ना हो या पसंद ना आ रही हो, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स के, जिनकी बहुत डिमांड है और स्कोप है, पर अभी वो सॉफ्टवेयर पॉपुलर्स नहीं है, जैसे एनसीस है, अबाकस है, रिसर्च टाइप के सॉफ्टवेयर्स, उनके ट्यूटोरियल्स होंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो फ्यूचर के लिए, अगर अभी आपका ये टाइप काम नहीं आता, फ्यूचर के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।